तो अभी गैस पे बन रही है खीर, और जो मैंने बनाई है ओट्स की खीर, और उसी के साथ ही कुकर में बन रही है इडली। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाया है आज मैंने इडली, उसी के साथ बनाई है मैंने मूंगफली की चटनी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मूंगफली की चटनी मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि सिर्फ मूंगफली और चने की दाल को रोस्ट कर लेती हूँ, और फिर उनको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि छोंक लगी हुई मिर्ची डली हुई चटनी बच्चे नहीं खाते हैं, इस वजह से प्लेन चटनी बनाते हैं, फिर हम भी वही खा लेते हैं। ये अभी इडली का गोल और रखा हुआ है, इसमें थोड़ा पानी डाल के और इडली बना लेंगे। अभी कुकर में बन रही है ऑलरेडी इडली, बर्तन पड़े हैं चाय के जो कि हमें धोने हैं, अभी साफ़ करने हैं। और इतनी सी ब्लॉगिंग करने लगी तब तक पता लगा कि फ़ोन तो डिस्चार्ज है, चलिए फ़ोन को कर देते हैं चार्ज, क्योंकि जाना है आज हमें डिब्रूगढ़ भी, तो इस वजह से पहले फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे हैं अभी डिब्रूगढ़ जाने के लिए, और ये मम्मा रेडी हो रही है, और ये हूँ मैं दिख भी रहा हूँ ना अच्छे से, नीचे मेरे नए शूज आप देख सकते हो, ये मेरे नए शूज, मेरी नई जींस और मेरा नया शर्ट। पहले व्लॉग में मम्मा ने या पहले पहनी हुई है एक बार, हाँ एक बार पहनी हुई है, व्लॉग में भी आपको दिखाई हुई है ये साड़ी, और ये तो पापा आप जानते ही हो, रुक ये इनको पहना रहे हैं। और फ्रेंड्स, और आज हम घूमेंगे बाहर डिब्रूगढ़ पेंटालूम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परितांडी ब्लॉग्स। अभी हम जा रहे हैं रेडी होकर बाहर, आज बच्चों की छुट्टी है, संडे है, तो सिनो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हीरो बना हुआ एकदम क्यूटी पाई सा। कर्टन हटाते हैं, थोड़ा सा हम साफ नहीं दिख रहे हैं अभी, तो ये मेरा सीनो जी, अभी दे रही हूँ रुको एक मिनट दे रही हूँ। तो और मैंने पहनी है आज साड़ी, हमने सोचा चलो आज इंडियन वेयर करते हैं, और सेल्फी स्टिक दिख रही है, हाँ तो हमने ये सोचा कि चलो आज हम इंडियन वेयर करते हैं, साड़ी पहनते हैं, बहुत टाइम से मैंने साड़ी पहनी नहीं है, तो आज साड़ी पहन के हम लोग जाएंगे एटमॉस्फेयर लंच करने के लिए। और लंच तो क्या ही, मतलब ब्रंच ही समझो आप, तो वही हम लोग आज ब्रंच करने जा रहे हैं वहाँ पर। मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तांडी साहब भी रेडी हो गए हैं, पानी की बोतल का बोल रहे हैं, और अभी हम बस निकलते हैं, दिख नहीं रहे हैं अभी, तो निकलते हैं अभी, पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद। चलो बेटा, चलो चलो चलो, आइए हटो हटो, करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस
घर की तरफ तो नहीं, पहले जाएंगे सब्जी मंडी और यहाँ पर है पेंटालूम। और अब हम जाएंगे सबसे पहले फ्रूट लेने के लिए और सब्जियाँ लेने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम वापस घर की तरफ। हमारा लेवल तो है भाई। लो भाई बच्चा पार्टी, चीयर्स। सिर्फ हम तीन जनों ने आइसक्रीम ली है और इन्होंने नहीं लिया आइसक्रीम। इनको लग रहा है कि ठेले वाली आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ये डुप्लीकेट चीजें नहीं खाते। और हम तो भाई जो मिले चाट वाट जो ठेले पे मिले खा लेते हैं, क्योंकि हम वैसा ही खाएगा ना, डुप्लीकेट ही खाएगा। क्योंकि हम गाँव में हमेशा खाते थे ये चीज और हम गाँव से निकल के आए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं हम किसान के बेटे वो, लेकिन हम गांव से निकल के आए और हम खाते हैं। मेरी मम्मी खिलाती थी रोज ठेले वाला खाते हैं, लेकिन सॉलिड खाते हैं, कचरा नहीं खाते हैं आपकी तरह। क्या सीनू? सो फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर से निकलकर सब्जियां लेकर अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और मेन हमारा आज डिब्रूगढ़ आने का पर्पस यही था कि हमें आज टेबल बुक करवानी थी, क्योंकि तांडी साहब का बर्थडे है कल और इस वजह से हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं बर्थडे। पहले एक दो जगह और भी हमने देखा था बट वो पसंद ही नहीं आया कहीं भी हमें रेस्टोरेंट, तो इस वजह से फिर हमने फाइनल डिसीजन लिया कि एटमॉस्फेयर में ही करेंगे हम अपना सेलिब्रेशन। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तांडी साहब का बर्थडे ब्लॉग, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए नए नए ब्लॉग आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।